राष्ट्रीय वीर दुर्गादास जयंती आयोजन समिति की ओर से दुर्गादास राठौर के 386वीं जन्म जयंती महोत्सव का आयोजन मंगलवार को ताजगंज क्षेत्र में किया गया। शुभारंभ राज्य मंत्री राकेश राठौर, महापौर फिरोजाबाद कामनी राठौर और वरिष्ठ उद्यमी ब्रजमोहन राठौर ने दीप प्रज्वलित कर किया। वहीं इस करार के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे राज्य मंत्री व विधायक सीतापुर राकेश राठौर गुरु ने कहा कि राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर द्वारा किए गए सेवा कार्य आज भी जनमानस के दिलों में बसे हैं। उन्होंने अपने जीवन काल में मानव सेवा कार्यों के साथ राष्ट्र के प्रति भी समर्पण का भाव रखा। इसी कारण दुर्गादास का नाम इतिहास के पन्नों पर ही नहीं वरन सभी समाज बंधुओं की जुबान पर भी है। जीवन क्षेत्र में राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर आयोजन समिति के निर्देश पर आयोजन समिति द्वारा आज राष्ट्रपति दुर्गादास राठौर की 386वीं जयंती के शुभ अवसर पर ताजगंज क्षेत्र में एक ऐतिहासिक आयोजन किया गया है जयंती समिति के द्वारा, जिसमें मुख्य अतिथि राकेश राठौर गुरुजी और अति विशेष अतिथि के रूप में फिरोजाबाद की मेयर रही है। आज दुर्गादास जी के जिन्होंने मुगलों को हारने का काम किया, मुगलों को जड़ से खत्म करने का काम किया, ऐसे राजस्थान के सपूत हमारे वीर दुर्गादास राठौर जी की 386वीं जयंती के अवसर पर आज यहाँ ताजगंज क्षेत्र में कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें विभिन्न 40-41 झांकियां यहाँ समिति के द्वारा बुलाई गई हैं। अध्यक्ष राम खिलाड़ी और कोषाध्यक्ष राम कुमार राठौर ने बताया कि सुबह तुलसी चबूतरा स्थित राठौर मंदिर पर यज्ञ, ध्वज वंदना और प्रतिमा स्थल पर दुर्गादास राठौर को पुष्पांजलि अर्पित की। शाम को समाज के हाईस्कूल व इंटरमीडिएट के मेधावी छात्राओं को प्रबुद्ध जनों का सम्मान समारोह आयोजित किया। जयंती है काफी सालों से निकलती आ रही है, इसका शुभारंभ तुलसी चबूतरा राठौर मंदिर से हुआ है। समापन पुरानी मंडी चौराहे पे जहाँ मूर्ति की स्थापना हुई है वहाँ होगा। महीने से कम तैयारी चल रही थी, भव्य कार्यक्रम में कम से कम 42 झांकियाँ निकली हैं, केरल तक की झांकी निकली है। इसमें राष्ट्रीय दुर्गादास जयंती की शोभा यात्रा राठौर मंदिर से होते हुए गोबर चौकी से होते हुए और हरजीपुरा मुगल की पुलिया से होते हुए पुरानी मंडी पर समापन होगी। सभी राठौर समाज का हम सहयोग करते हैं, मेवाड़ी छात्रों का सम्मान है और इसमें मुख्य अतिथि उनका सम्मान किया जाएगा। ढोल नगाड़ों के साथ बैंड बाजों की स्वर लहरियों के बीच राष्ट्रीय वीर दुर्गादास शोभा यात्रा में एक से बढ़कर एक झांकियां निकाली गईं। झांकी का शुभारंभ पूर्व चेयरमैन शमशाबाद लक्ष्मी राठौर ने हरी झंडी दिखाकर किया। शोभा यात्रा में गणेश जी की झांकी सबसे आगे चल रही थी। शोभा यात्रा में माँ दुर्गा, खाटू श्याम, राधा कृष्ण, शिव शंकर, हनुमान, सालासर बालाजी सहित 40 झांकियां शामिल हुईं। मून न्यूज़ के लिए अनिल चौधरी की रिपोर्ट।